The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Most common myths about breastfeeding. तो बहुत सारे myths हैं, बहुत सारे problems हैं breastfeeding को लेके इंडिया में, abroad, हर जगह. And we are going to clear those myths today, alright? और छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, कई confusions हैं जिसके बारे में आप कई बार आस पड़ोस से सुनते हैं, बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, confused होते हैं, am I doing right, am I doing wrong, right? बच्चों का सवाल है, तो क्या सही है, क्या गलत है, right? एक myth हमने commonly सुना है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं तो मैं भी जानता हूँ, है ना, बच्चे हैं, right? So, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फीड लेता है, if baby feeds a lot, that means they are not getting enough milk. कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है, बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है, so बहुत ज़्यादा पीता जा रहा है, बार बार पीता जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी भूख नहीं मिट रही है, ऐसा सोचा जाता है. ये गलत है, right? Because breast milk जो होता है वो easy होता है digest करने के लिए बच्चों के लिए, right? और इसीलिए बच्चे जो हैं बार बार जल्दी से भूख लग जाती है उनको, right? इसीलिए जब वो breast milk पीते हैं जल्दी भूख लग जाती है, और अगर वो फॉर्मूला फीड पे हैं तो उनको थोड़ा धीरे धीरे भूख लगती है, राइट? अगर आप ब्रेस्ट मिल्क से कंपेयर करेंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हर घंटे, हर दो घंटे, हर तीन घंटे में आपको पिलाना पड़ रहा है, बट दैट इज़ नॉर्मल. उसमें कोई इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की भूख नहीं मिट रही है, बट जब बच्चा भूख मांगता है दूध, आप उसे देंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सेकेंड मिथ है कि ब्रेस्ट को अगर आप नर्सिंग रेस्ट देंगे, नर्सिंग रेस्ट मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे, ब्रेस्ट पिलाएंगे नहीं, दूध नहीं पिलाएंगे, अगर रेस्ट देंगे तो आपका दूध अच्छे से आएगा, दैट मतलब ज़्यादा दूध आएगा. ऐसा मिथ है, बट क्वाइट फ्रैंकली ऐसा नहीं है. देखिए, जब इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो बच्चे की सकलिंग रिफ्लक्स है, जो उसकी सकलिंग रिफ्लक्स है, जितना वो सकल करेगा, जितनी नर्सिंग आप, जितना ब्रेस्ट फीडिंग आप करेंगे, उतना ज़्यादा मिल्क स्टिमुलेट होता है, उतना ज़्यादा मिल्क सिक्रीट होता है. तो रेस्ट देने से, भाई एक थोड़ी देर रुक जा, भरने दे, ऐसा हिसाब किताब नहीं है, लोग बड़े बूढ़े कहते हैं, बट देन कोई ना कोई तो कहता ही होगा, सो उसको ना यूज़ करें, प्रिपेयर इज ब्रेक. आप अपना रेगुलर शेड्यूल रेस्ट ना दें, राइट? ये अगर आप करेंगे, शेड्यूल तोड़ेंगे, तो आपका मिल्क सिक्रीशन जो है वो कम हो सकता है, ये बात याद रखिए, राइट? फिर कई मिथ ऐसे हैं कि जो फार्मूला फेड बच्चे होते हैं, जिनको फार्मूला पिलाया जाता है, इन्फेंट फार्मूला, वो ज़्यादा अच्छे से सोते हैं, राइट? देखिए, ये देखा गया है, जो बच्चे फार्मूला फीड होती है वो एक्चुअली में अच्छे से नहीं सोते, रिसर्च में देखा गया है, बिकॉज वो अच्छे से नहीं सोते लेकिन लंबा सो सकते हैं, ये हिसाब देखा गया है. अच्छे से मतलब डीप स्लीप, डीप स्लीप नहीं होती है, जो फार्मूला फीड है हमें देखने से लगता है ज़्यादा देर सो रहा है बच्चा, लेकिन वो ज़्यादा देर सो रहा है, लेकिन डीप स्लीप नहीं है. तो ये फार्मूला फीड चलेगा, देखिए फार्मूला कुछ नहीं से कुछ अच्छा, लेकिन माँ के दूध से अच्छा नहीं है. तो माँ का दूध जो होता है वो एनी टाइम बेटर है, हर एंगल से, राइट? फार्मूला फूड जो है वो आराम से, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, राइट? बॉटल मिल्क, इसीलिए वो थोड़ा लंबा ले जाता है ताकि बच्चे को भूख ना लगे, इसीलिए बच्चा जब लंबा सो जाए. सोच के देखो, बच्चे को डाइजेशन को टाइम लगे, तो क्योंकि बच्चे की माँ का दूध जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बच्चे को भूख लगेगी, उठ जाएगा, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा दो फार्मूला फीड वाला, तो वो थोड़े लंबे समय तक उसको भूख नहीं लगेगी, इसलिए वो थोड़ा लंबा सो जाता है. बच्चे का काम क्या है? उसका काम तो सोना, खाना, सोना, खाना, है ना, वो है. सो और भी काम है, बाकी जो सफाई आप करते हो वो तो काम है ही, लेकिन सोना खाना तो काम है ही, राइट? सो बच्चे को नॉर्मली 18-20 घंटे सोता है वो, इतना छोटा इन्फेंट जो होता है, राइट? एनी वे 20 कई बार ज़्यादा भी सोता है, सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. ये मिथ है, ठीक है? फिर कई लेके बोलते हैं कि नर्सिंग बच्चे को, कई बोलते हैं कि जो बच्चा नर्स, जो जिसको दूध पिलाया जा रहा है, उसको कभी कभार ओकेजनली बॉटल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, निप्पल कन्फ्यूजन हो जाएगा और वो खाना पीना छोड़ देंगे. ऐसा नहीं है, राइट? वो बेसिकली, वो बेबी बच्चा जो होता है ना, निप्पल पे सक करता है, और वो सकल निप्पल पे भी करता है, बॉटल पे भी करता है, राइट?
बच्चे को ये चीज की कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ये बहुत रेयरली कंफ्यूजन होता है एक्चुअली में। और अगर आपको लगता है कि बच्चे की फीडिंग आपसे जो हो रही है उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो बिल्कुल करें। कतई ये मत सोचें कि हाँ एक बार यहाँ किया, दो बार वहाँ किया, बच्चा कन्फ्यूज, खाना पीना बंद, ऐसा नहीं होता, राइट। सो बच्चा कन्फ्यूज नहीं होगा। आपको अगर लगता है आपका ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है, या आपका 6 महीने के आसपास हो गया है, या 6 महीना क्रॉस हो गया है, 6 मंथ फर्स्ट, तो आप बिल्कुल उसको बॉटल फीड शुरू करिए, फार्मूला फीड शुरू करिए, या दूसरा मिल्क शुरू करिए, ये याद रखिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कई लोग कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ योर ब्रेस्ट और रिड्यूसेस इट्स सेंसिटिविटी। एंड अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो आपकी ब्रेस्ट के साइज और शेप चेंज हो जाएंगे, ब्रेस्ट लटक जाएंगी बाद में, या बहुत बड़ी हो जाएंगी, या वॉट एवर, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, अब आपको उतना मजा नहीं आएगा, वॉट एवर इट इज। ऐसी बहुत मिथ्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली देखिए ब्रेस्ट का, प्रेगनेंसी के वजह से ब्रेस्ट का लुक और फील तो चेंज होता ही है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होता, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है, सेंसिटिविटी कोई कम नहीं होती है। हाँ, ये सब पुराने ज़माने में बोली गई चीज़ें होती हैं, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली आपके ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग से, और लैक्टेशन इज रैदर गुड एंड हेल्दी। जो लोग लैक्टेट करते हैं उनके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क भी कम हो जाते हैं उन फीमेल्स के। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मदर मदर को, ग्रैंड मदर को, किसी को, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग पक्का करनी है और ढंग से करनी है, ये याद रखिए। जितनी बार बच्चे करोगे उतनी बार करनी है, वैसे तो ज़्यादा बार बच्चे नहीं करनी है, एक या दो, राइट, हम दो हमारा एक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर बोला जाता है, मिथ है कि सोते हुए बच्चे को उठा के दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्वाइट फ्रैंकली ये भी गलत है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बच्चा खुद उठ जाएगा ज़्यादातर, राइट, और खुद ही उठ के बोलेगा मेरे को भूख लग रही है, या रोएगा, वट एवर, राइट, आपको याद रखिए। लेकिन ये कितने दिन में होगा, हर 2-2.5-3 घंटे में अपने आप हो जाएगा, 4 घंटे में अपने आप हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पी लेता है दो तीन घंटे तक, जिसको कहते हैं क्लस्टर फीडिंग कर देता है, 2-3 घंटे लगातार पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद इसे क्लस्टर फीडिंग करते हैं, वो कर सकता है। ऐसा हो गया तो फिर वो थोड़े लंबे समय तक भी सो सकता है, राइट, क्लस्टर फीडिंग अगर हो गया तो इस केस में इट इज़ ओके कि उसको, उनको थोड़ी देर लंबा सोने दिया जाए, बट आप उनको 4.5 आवर से ज़्यादा स्लीप नहीं देंगे, ये बोला जाता है। साढ़े चार से साढ़े पाँच घंटे हो गए लगातार सो रहा है, तो कायदे से आपको उनको रेगुलरली उठा के, उस समय उठा के फीड करना चाहिए, ये बोला जाता है बेसिक मेडिकल फील्ड में, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट योर बेबी की स्लीप भी हो, लेकिन वो रात को, कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा अच्छा है 12 घंटे सोता है, नहीं, वो गलत है, आपको 5 घंटे में उसको उठा के दूध पिलाना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, रात को भी, जी हाँ, रात की मेहनत होती है लेकिन करनी पड़ती है, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बेबी टू फीड ऑन शेड्यूल, शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है, नहीं, और आपको भी इम्पॉर्टेंट है आपके ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करते रहने के लिए, ताकि सप्लाई जो है वो प्रॉपरली आता रहे। याद रखिए ये तालमेल है, तालमेल को आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के जो मिथ्स हैं, राइट, और भी कई मिथ्स हैं, राइट। जैसे अगर आपके कोई मिथ्स हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। कई सारे मिथ्स हैं दुनिया भर में, राइट, कई लोग कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो ब्रेस्ट लटक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनिशियली जो ड्रूपिंग ब्रेस्ट होते हैं वो प्रेगनेंसी के वजह से हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, जो वो कोई भी चीज़ बढ़ेगी और वो हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियसली ग्रेविटी से खींची तो जाएगी, है ना, ऐसी थोड़ी है कि वो नहीं खींची जाएगी, सो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, जैसे आप वेट लॉस करते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो वो भी लॉस, उसमें भी साइज भी रिग्रेस होता है, आपका ओरिजिनल साइज वापस बिल्कुल आ सकता है, याद रखिए, ठीक है कि नहीं। और अगर ये आपके छोटे छोटे ब्रेस्ट हैं, कई लोग कहते हैं स्मॉल ब्रेस्ट हैं तो आप दूध नहीं बना पाएंगे, दूध उतना नहीं बना पाएंगे जितना आता है, ये भी मिथ है, ऐसा नहीं है। साइज डजेंट मैटर बच्चों के केस में, ब्रेस्ट टिश्यू उतना ही होता है, ब्रेस्ट टिश्यू बच्चे के केस में, क्योंकि हर 2-3 घंटे में उसको दूध पीना है, तो जितना दूध चाहिए उतना कई बार आ जाता है। हाँ, अगर आपका वज़न बहुत ही कम है तो हो सकता है आपका ब्रेस्ट मिल्क ही ना बने, दैट मतलब न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है,
वज़न बहुत कम है, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, लेकिन साइज़ अकेला मैटर नहीं करता क्वाइट फ्रैंकली। ये हुई बात, कोई भी सवाल है ज़रूर लिखिए, विल बी आंसरिंग वेरी वेरी, हम कोशिश करेंगे पूरा आंसर करने की। थैंक यू सो मच।